आज की इस वीडियो में हम लोग अब आगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी शुरू मतलब पढ़ रहे थे, उसमें कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग, और उसी को पहले सोल्यूशन मैं बताता हूँ। उसके आगे हम लोग अब जो है टॉपिक में धीरे धीरे बढ़ेंगे और न्यूमेरिकल पे थोड़ा फोकस करेंगे। मैं डेली आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स देता हूँ बनाने के लिए, और उसको आप लोग घर पे बनाइएगा, दिक्कत होगी तो पूछिएगा। जैसे कल मैंने एक न्यूमेरिकल आपको दिया था जो ऐसे था, ये क्वेश्चन था कल आपको जो मैंने आपको दिया था। इस क्वेश्चन में बात करें तो मैंने कल आपको बताया था कि आप देख करके नहीं काम कीजिएगा कि पैरेलल दिख रहा तो पैरेलल मान लिया, सीरीज दिख रहा तो सीरीज। दिखने पे नहीं भरोसा करना, करने पे भरोसा करना है। हम लोग को देखना करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, खुद उससे क्लियर हो जाएगा कि सीरीज में है या पैरेलल में। तो मान लीजिए यहाँ से करंट आई चला, यहाँ आने के बाद करंट दो भाग में टूटा, इससे अलग करंट जा रहा है, इससे अलग करंट जा रहा है, लेकिन इन दोनों का टर्मिनल्स एक जगह है। देखिए एक टर्मिनल यहाँ इन दोनों रेसिस्टेंस का और एक टर्मिनल यहाँ, एंड टर्मिनल्स सेम है। टर्मिनल सेम है कहने का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम मिल गया, तो चलिए अच्छी बात है। तो यानी हम लोगों को ये चीज तो क्लियर हो गया कि 10 ओम एंड 4 ओम आर इन पैरेलल, ये तो क्लियर हो गया, पैरेलल में है ये दोनों। तो इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए 1/Req करेंगे, इन दोनों को हटाने के लिए तो 1/10 प्लस 1/4, 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए तो 1/Req इक्वल्स टू 10 और 4 कैल्शियम लिए हमने, हमने लिया 20 आ गया, 2 यहाँ 5 आ जाएगा, तो हो जाएगा 7/20 ओम। चूंकि हमको Req चाहिए तो Req ये हो जाएगा 20/7 ओम, ठीक है। 1/10 प्लस 1/4 किया हमने, 20 एलसीएम हुआ, यहाँ 10 से 22 बार में, 2 1 2, 4 से 25 बार में, 5 1 5, 2 प्लस 5 7/20। हम पारी क्यों चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 20/7 ओम हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि आप लोग इसको आसान करते चले जाइएगा, तो ये तो पहला डायग्राम हो गया। इसी के नीचे आप लोग, इसी के नीचे मैं तो बस यहाँ तो मुझे मिटाना है इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ आप क्या कीजिएगा फिर से एक डायग्राम बनाइएगा और इसको अब हटा दीजिएगा। ये वाला पार्ट का हम लोगों ने इक्विवेलेंट निकाल लिया ना, तो इस पार्ट को हम लोग अब एलिमिनेट कर सकते हैं इन दोनों को हटा करके एक सिंगल के साथ, ऐसे एक सिंगल के साथ जिसका वैल्यू होगा 20/7 ओम, ठीक है। इतनी बातें हो गई, इसको देख लीजिए आप। फिर उसके बाद हम लोग बात करें आगे की, तो फिर यहाँ पर आ जाइए, यहाँ मान लीजिए करंट आगे बढ़ा होगा जो भी, वो भी क्या होगा, 3 भाग में बटा होगा, 2 3, फिर वही तीनों में अलग अलग करंट, लेकिन तीनों के टर्मिनल्स एक ही जगह, यहाँ और यहाँ, यानी कि तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी तीनों जो है वो पैरेलल में। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार करंट को देख रहा हूँ फिर पोटेंशियल डिफरेंस सेम देख रहा हूँ तब बोल रहा हूँ पैरेलल, यानी कि डायग्राम देखे और बोल दी कि हाँ पैरेलल है सर। तो कभी कभी वैसे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, दिखने में वो पैरेलल लगेंगे लेकिन होगा उसमें कहीं सीरीज पैरेलल का मिसमैच मत हो जाए, तो इसलिए ध्यान रखिए आप पूरे तर्क के साथ आगे बढ़िएगा। तो हम लोग यहाँ पर अभी तर्क हम लोगों का कंप्लीट हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 30 ओम, 20 ओम एंड 60 ओम आर इन पैरेलल, ये तीनों भी पैरेलल में, हम लोग इनका भी 1/Req करेंगे, तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60,
वन बाई आर ई क्यू इक्वल्स टू 60 एलसीएम हो गया, 120 से 63 बार में, 30 से 62 बार में 202, तो वन बाई आर ई क्यू इक्वल टू 7 बाई 60। आर ई क्यू क्या हो जाएगा आपको बताइए, 60 बाई 7 हो। फिर से मैं बता दूं, तीनों का एलसीएम 60 हो गया, 30 से 62 बार में 202, 20 से 63 बार में 313, 60 से 61 बार में 111, 6 by 60, 10 हो जाएगा, 10 हो, ये हो गया हमारा। चलिए अब आगे, यहां आ गया 10 ओम, तो इसको मैं हटा दूं, तो देखिए यहां हम लोगों से गलती हो गई है, उसको यहां 40 था तो 40 यहां करेंगे, फिर से बना देता हूँ। ये पार्ट तो सही है, इधर वाला एक गलती हो गई है, तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। 40 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 5 by 40, सॉरी 5 by 40, यहाँ पर रेसिप्रोकल किए यहाँ, तो ये हो जाएगा 40 by 5 यानी 8 ओम, यानी इसको ये 8 ओम था हमारा। और यहाँ हमारा कितना आ गया बताइए, ये आ गया हम लोगों का 10 ओम, इसको एलिमिनेट किया हमने, 10 ओम कर दिया। अब आप लोग बताइए, अब 8 ओम और 10 ओम क्या चीज में सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में, क्यों, क्योंकि जो करंट इससे गुजर रहा वही करंट इससे गुजर रहा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि एक जगह रहेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो 10 ओम एंड 8 ओम आर इन सीरीज, अब जो अब आएगा वही हमारा फाइनल आर ई क्यू होगा। तो फाइनल आर ई क्यू सीरीज में क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं सिंपली, तो 10 ओम प्लस 8 ओम इक्वल टू 18 ओम, तो ये हो गया हमारा इसमें आर ई क्यू निकाला। इसको आप लोग देख लीजिए थोड़ा, चलिए अब आगे इसी में हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको अब कुछ एक टॉपिक बता देता हूँ, उसके बाद फाइनली हम लोग कुछ क्वेश्चंस मैं दे दूंगा आपको 2-3 फिर बनाने के लिए इसी से रिलेटेड, और आप लोग आर ई क्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाइएगा, ठीक है, और डाउट होगा तो पूछिएगा। फिलहाल थोड़ा सा आगे टॉपिक हम लोग बढ़ते हैं कि क्या आगे टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। तो टॉपिक है हम लोगों का डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, हम लोगों का टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी हम लोगों के घर में जो सर्किट यूज अप हुआ है वो। तो सर्किट कितने तरीके से हम बना सकते हैं, 2 कॉम्बिनेशन से, पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल। सीरीज वाले में क्या कांस्टेंट होगा, तो करंट कांस्टेंट होगा, और पैरेलल वाले में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। अब हम लोग आखिरकार इस्तेमाल क्या करते हैं घर में, सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन, तो आप गौर कीजिए कि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम जा रहा है, यदि बीच में कोई भी खराब हो गया सीरीज में तो बाकी सब के सब बंद हो जाएंगे। या आप लोगों ने गौर किया होगा कि सीरीज बल्ब लगाते हैं हम लोग, तो उसका स्विच तो एक कॉमन होता है, सारे बल्ब लगे हुए हैं, 100 बल्ब लगे हुए, लेकिन उसका स्विच एक कॉमन है। हम यदि चाहें कि उसका ये वाला बल्ब जलाएं तो पॉसिबल है नहीं, हम लोगों को एक ही स्विच पर चलना होगा। तो मान लीजिए यदि हम लोग घर में सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या होगा, यदि हमको फ्रिज चलाने का मन नहीं है तब भी हम ऑन करेंगे तो फ्रिज भी चलेगा, एक ही साथ टीवी भी चलने लगेगा, एक साथ पंखा भी चलने लगेगा, सब कुछ।
लेकिन हम लोगों के घर में क्या है, सबका अलग अलग स्विच है, तो यानी क्या हुआ होगा, सब लोगों में करंट अलग अलग जा रहा होगा लेकिन पोटेंशियल सेम रहा होगा। देखते ना, बोलता है कि 220 वोल्ट या 200 वोल्ट लिखा रहता है आप लोगों के, जो भी चीजें बल्ब खरीदी या कुछ भी, सब में करंट अलग लिखा रहेगा, वाट अलग होगा, लेकिन एक चीज कॉमन आपको दिखेगा जो घर में इस्तेमाल आप करते हैं, वोल्टेज। तो वोल्टेज सेम, यानी अभी हम लोग समझ गए पैरेलल। तो भाई पैरेलल हम लोगों ने कॉम्बिनेशन तो इस्तेमाल कर लिया डोमेस्टिक सर्किट में, एक क्लियर बात हो गया, लेकिन हम लोगों ने पैरेलल क्यों किया, सीरीज क्यों नहीं किया, ये तो सवाल उठता। तो पक्की बात है कि सीरीज में कुछ ना कुछ कमियां आई होंगी। तो आइए पहला कमी देखते हैं सीरीज में। पहली कमी की बात करें तो ये देखिए, मान लीजिए जितने मशीन है वो एक तरीके के रेसिस्टर्स हैं। पहली कमी, ये यदि सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहाँ मान लीजिए सोर्स है, यहाँ से करंट जा रहा है, यदि ये वाला मशीन बिगड़ गया तो क्या करंट आगे फ्लो करेगा, नहीं करेगा। तो यानी क्या हो गया कि इफ वन मशीन स्टॉप्स वर्किंग देन ऑल अदर विल स्टॉप वर्किंग। तो एक मशीन यदि काम करना बंद कर देगा तो बाकी सारे मशीन काम करना बंद कर देंगे। तो ये सीरीज का सबसे पहला घाटा है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इन सब में सीरीज में एक कॉमन स्विच होगा। दूसरी कमी की बात कर रहा हूँ, कॉमन स्विच सिस्टम, इसमें क्या होता है, एक कॉमन स्विच सिस्टम होता है। यानी कि अभी मैंने बताया कि हमको मन नहीं है फ्रिज चलाने का, लेकिन हम लोगों के पास तो एक ही कॉमन स्विच रहेगा, तो उसी से सब कुछ चलेगा, तो सब चीजें ऑपरेट होने शुरू हो जाएंगी। तीसरी बात कि सबको बराबर वोल्टेज नॉट नहीं मिलेगा, नॉट प्रॉपर वोल्टेज अप्लाइड, सब लोगों को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा, सारे मशीन्स को वोल्टेज सेम चाहिए, ठीक है, करंट अलग अलग चाहिए, तो वोल्टेज सबको सेम नहीं मिल पाएगा क्योंकि सीरीज में तो कॉमन वोल्टेज होता ही नहीं। तीसरी कमी। चौथी कमी की बात करें, आप लोग खुद गौर कीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में R बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, आर ई क्यू के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हाईएस्ट रेसिस्टेंस मिलता है। मैंने शुरू कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि यदि आपसे कोई पूछे कि तीन चार रेसिस्टर्स दिए हुए हैं, इनको कैसे हम कनेक्ट करें कि हमको हाईएस्ट मिले, तो हाईएस्ट के लिए सीरीज कनेक्शन करते हैं और लोएस्ट के लिए पैरेलल कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर हमको रेसिस्टेंस क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस हाई तो करंट लो। कैसे भाई, तो देखिए आप लोगों को मैंने बताया था I इक्वल्स टू V बाई R, R ज्यादा तो करंट लो, ये ओम्स लॉ से हम लोगों ने पढ़ा था, R ज्यादा तो I लो। तो इस ढंग से ये चौथा तीन चार पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये डिसएडवांटेज है सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है, और इसी वजह से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। अब तो ये क्लियर हो गया भाई, एक ठो को हम लोग यूज कर रहे हैं तो उस दूसरे में तो कुछ कमी रही होगी तब ना यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये कमियां हैं, डिसएडवांटेजेस हैं जो मैंने आपको सीरीज में गिनवाया, ये पैरेलल में हम लोगों को नहीं मिलते हैं डिसएडवांटेजेस। तो ध्यान यही रखना है कि इसीलिए हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन घर में इस्तेमाल नहीं करते, पैरेलल करते हैं। तो पैरेलल के फायदे क्या क्या हैं तो ये भी जानते हैं हम लोग। पैरेलल के फायदे की बात करें तो सबसे पहला फायदा जो है हमारा पैरेलल का, कुछ इसी से निकलेगा फायदा। देखिए यहां 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 हम लोगों को जो जो घाटा लगा है ना, वो सारा घाटे की पूर्ति करेगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसीलिए वो इस्तेमाल किया जाएगा इतना ज्यादा। हमारे घरों में आज पैरेलल सर्किट ही इस्तेमाल क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसने सीरीज में जो जो कमियां आई थी उनको दूर किया। चलिए हम लोग पहली बात करें, पहला हमारा सीरीज में कमी था क्या था कि यदि कोई मशीन खराब हो गया तो क्या होता था, बाकी काम करना बंद कर देता था सारे का सारा, क्योंकि करंट आगे बढ़ेगा ही नहीं। आप लोगों ने देखा भी होगा सीरीज बल्ब में यदि एक बल्ब खराब हो जाता था पहले
तो बाकी बाकी बल्ब खराब होंगे या कुछ कुछ खराब होते हो तो सारे खराब हो जाएंगे, तो ये दिक्कत आती थी। तो वो करंट को जाने नहीं देता था, लेकिन पैरेलल में हम लोगों ने देखा कि हमारे टीवी खराब है तो टीवी बनेगा, उससे हमारे बल्ब का कोई लेना देना नहीं है, पंखे का कोई लेना देना नहीं है, फ्रिज का कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है कि वो खराब हो गया तो बाकी सब वर्क करना बंद कर देंगे, नहीं। तो पहला फायदा कि डिफेक्ट फ्री, यदि डिफेक्ट होगा किसी भी मशीन में तो नो अदर एप्लायंस विल अफेक्टेड। यदि डिफेक्ट आएगा किसी भी मशीन में, इन एनी एप्लायंस, यदि किसी एप्लायंस में डिफेक्ट आएगा तो नो अदर एप्लायंस विल बी अफेक्टेड, बाकी कोई एप्लायंस अफेक्टेड नहीं होगा। लेकिन यदि हम लोग बात करें कि भाई ठीक है, चलिए हम लोग तो बात समझ लिया कि यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन यदि हम लोग बात करें कि ये सीरीज में, तो सीरीज में एक डिफेक्ट होता था तो बाकी सारा काम करना बंद कर दो, क्योंकि एक ही तरफ से करंट जाना है। सेकंड बात है, ये यहाँ पे कॉमन स्विच सिस्टम नहीं होता है जो कि सीरीज में होता था, कि भाई सबके लिए कॉमन स्विच है, एक ही स्विच से चलेगा, ये यहाँ नहीं होता। हमारी मर्जी, हमको टीवी चलाने का मन, हम टीवी चलाएंगे, ऑन करेंगे, हमको पंखा चलाने का मन है, पंखा चलाएंगे, हमको बल्ब ऑन करने का मन है तो बल्ब ऑन करेंगे, हमको कोई बाध्यता नहीं है जैसा कि सीरीज में हुआ करता था, तो ये एक फायदा। थर्ड है ये देखिए, देख लीजिए, सीरीज के सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन हमको मिलता चला जा रहा पैरेलल में। तीसरी बात है, सब लोगों को कॉमन वोल्टेज मिलेगा जो कि सबकी रिक्वायरमेंट है। कॉमन वोल्टेज, वोल्टेज मैंने बताया था कि उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोला था, सबको कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। आज अभी आप लोग, सब लोगों के पास मशीन्स हैं, सबकी रेटिंग होगी, डब्बे में रेटिंग लिखी होती है, आप लोग देखिएगा करंट का रेटिंग सबका अलग अलग होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जहाँ फ्रिज लगाते हैं वहाँ पावर प्लग लगाते हैं, क्यों? क्योंकि उसको करंट ज़्यादा चाहिए, ठीक है, वहीं। लेकिन वोल्टेज सबको सेम मिलता है, जो हम लोगों को मेन सर्किट से आता वो होता है 220, 200 से 220, 250 तक, मतलब 200 से 250 के रेंज में रहता है वो, तो सबको वही चाहिए कॉमन वोल्टेज। टीवी को भी वही चाहिए, पंखे को भी वही चाहिए, बल्ब को भी वही चाहिए, सबको वोल्टेज सेम चाहिए, तो हम लोगों को कॉमन वोल्टेज सिस्टम यहाँ पे सेटिस्फाई होता है ना। पढ़े थे आप लोग कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में देयर इज अ कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, सब लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ये चीज हो गई। चौथे पॉइंट की बात करो, चौथे पॉइंट में हम लोगों ने देखा था कि REQ जो था वो ज्यादा था सीरीज में, इसमें REQ क्या हो जाएगा, एकदम लोएस्ट हो जाएगा, सबका रेसिस्टेंस का जो नेट वैल्यू आएगा पैरेलल में चूंकि कनेक्टेड है वो लेस आएगा। अब ये लेस आएगा तो एकदम खूब अच्छा हाई वैल्यू ऑफ करंट दौड़ेगा उसमें, एफिशिएंट करंट वैल्यू दौड़ेगा उसमें। कैसे भाई? तो हम पढ़े अभी थे कि R=V/I, R हम लोगों ने क्या किया, कम कर दिया पैरेलल में, तो I आपरूपी बढ़ जाएगा। तो ये चीजें थी, इनको भी आप देख लीजिए जरा। चलिए अब बारी है एक क्वेश्चन की, जो एक दो क्वेश्चंस की मैंने जो आपको वीडियो के शुरुआत में बात की थी कि सीरीज और पैरेलल के रिगार्डिंग मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, तो उनको मैं अब दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा बना के से बनता है कि नहीं।
इस क्वेश्चन में आप लोगों को पहले निकालना है आरई क्यू, सेकेंड पार्ट में निकालिएगा आप लोग टोटल करंट, इन सर्किट। सर्किट में टोटल करंट कैसे निकलेगा बताइए आप लोग। तो हम लोगों ने इस पूरे का इफेक्टिव आरई क्यू निकाल लिया और भी दिया हुआ है, तो V इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला यूज करेंगे, आई जो आएगा वही हो जाएगा टोटल करंट। बस आसान है, कुछ ऐसा नहीं कि बड़ा कंफ्यूजिंग वाला बात नहीं है। और थर्ड पॉइंट में निकालना हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वन, आर वन के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, यही है आर वन आपका, इसको लिखा मार्क किया हुआ है आर टू और इसको मार्क किया गया है R3। R1 के थ्रू आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो अभी मैंने बताया कि करंट तो हमारा निकल गया, तो जो करंट यहाँ से जाएगा तो I मिल गया, R मिल गया, तो V इक्वल्स टू आई आर, उस फॉर्मूले से आप लोग निकाल दीजिए। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, सेकंड क्वेश्चन जो है हम लोगों का, उसमें क्वेश्चन में पहला पॉइंट है आर इक्यू आप निकालिएगा, उसके बाद बातें हैं कि इफ इफ करंट अक्रॉस 5 ओम रेसिस्टर इज 1 एम्पियर, फाइंड करंट थ्रू अदर टू। मतलब ये बोल रहा है कि करंट जो है आपको दिया हुआ है, करंट आपको दिया हुआ है किसके थ्रू, 5 ओम के थ्रू। यहां से करंट आएगा तो मैंने बताया था तीन भाग में टूटेगा, तो तीनों से अलग अलग। इस तरफ में करंट दिया हुआ है कितना, 1 एम्पियर। तो आप लोग कैसे बनाइएगा, हम लोगों को पता है पैरेलल है तो पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए V इक्वल्स टू आई आर आ जाएगा, आई आर यानी 5, तो वही V इसके थ्रू भी होगा, वही V इसके थ्रू भी होगा, तो V सेम हो जाएगा। तो V इक्वल टू आई आर वैल्यू पुट कर करके आई सबके थ्रू निकाल दीजिएगा अलग अलग। तो ये बातें थी, फिर कल के टॉपिक में हम लोग फिर उस टॉपिक एक टॉपिक आगे बढ़ेंगे और दो तीन न्यूमेरिकल्स को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। और ध्यान से अब आप लोग पढ़िए, ठीक है, जहाँ भी दिक्कत हो पूछिए, ठीक है। और सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन को आप लोग खूब अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि ये आपको फिर ट्वेल्थ में काम करने वाला है, इसलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है सीखना, ठीक है। और कहीं प्रॉब्लम हो तो आप, ठीक है।